मैं एक स्लो मूविंग स्ट्रीम में मौजूद हूँ। आसपास पूरा फॉरेस्ट एरिया है, बहुत ही क्लियर वाटर, फ्रेश वाटर है, और ऐसे स्लो मूविंग स्ट्रीम्स में आपको देखने मिलेगा ये रॉयल मजेस्टिक कलर वाला ड्रैगन फ्लाई, जिसका साइंटिफिक नाम है ट्राइथेमिस फेस्टिवा। कॉमनली इनको ब्लैक स्ट्रीम ग्लाइडर भी कहा जाता है। ब्लैक डार्क पर्पल कलर का इनका अपियरेंस होता है, डिपेंड करता है आप कौन से एंगल से इसको देख रहे हो। ये ड्रैगन फ्लाई आपको ऐसे ही फ्लोइंग वाटर के आसपास मिलेगा, चाहे वो फिर इरिगेशन कनाल से क्यों ना हो। साथ में थोड़ा वेजिटेशन फॉरेस्ट रेंज होनी चाहिए, वॉटरफॉल या फिर आपके विलेज में कोई वाटर स्ट्रीम, आपके ड्रैगन फ्लाई जरूर देखने मिल जाएगा। ये मोस्टली अपने ऐसे पसंदीदा पर्च पर, जैसे ये बड़े बड़े जो पत्थर स्ट्रीम्स में पड़े होते हैं उस पर बैठा हुआ, या फिर किसी एक्वेटिक प्लांट जो सूख रहा होगा उस पर आपको बैठा हुआ मिल जाएगा। और बड़ा आसान होता है इसको, देखिए मैं इतने पास से इसको शूट कर पा रहा हूँ। फ्रेंडली है, ये जो हम देख रहे हैं ये मेल है, तो जो आपको ड्रैगन फ्लाई स्पीसीज के मिलेंगे वो मोस्टली मेल होंगे, डार्क पर्पल कलर के। फीमेल्स शाय होती है, वेजिटेशन में रहती है, कम ही नजर आती है, और उनका रंग बिल्कुल इससे विपरीत अलग होता है, पीले रंग की वो होती है। ये स्ट्रीम्स के ऊपर पेट्रोलिंग करते हुए उड़ते रहते हैं, और साथ ही छोटी मक्खियों का या फिर किसी दूसरे इंसेक्ट का ये शिकार करते हैं। मस्किटो इनके पसंदीदा शिकार है, तो हमारे लिए एक बेनिफिशियल इंसेक्ट है, हम जानते हैं ड्रैगन फ्लाइज। और ये जो स्पीसीज है इसको कॉमनली ब्लैक स्ट्रीम ग्लाइडर कहते हैं। ये आती है ट्राइथेमिस जीनस के अंदर, जो कि फैमिली लिबेलुरिडी के अंदर आता है। मेल हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये ब्लैक एब्डोमेन होती है, डॉट्स होते हैं, डीप पर्पलिश कलर है, ब्लू कलर है, डीप ब्लू कलर, डिपेंड करता है आप कौन से एंगल से इसको देख रहे हो, लाइट किस हिसाब से गिर रही है। जो ओल्ड मेल होते हैं वो डार्क कलर के होते हैं, फीमेल एंटायरली डिफरेंट होती है कलर के हिसाब से मेल से, वो ऑलिव ब्राउन थोरेक्स होता है, येलोइश एब्डोमेन होता है। मेल्स जैसा कि हम यहाँ पर देख रहे हैं अपने फेवरेट पर्च पर बैठना पसंद करते हैं, चाहे वो ट्विग हो या ऐसे बड़े बड़े पत्थर, और किसी भी इंट्रूडर को ये चेस करते हैं अपनी टेरिटरी से, जो इनकी छोटी टेरिटरी होती है उससे निकाल देते हैं। फीमेल जैसा कि मैंने कहा आपको नजर कम आएगी, क्योंकि वो शाय होती है और किसी अंडरग्रोथ में पर्च करते हुए बैठती है, सिर्फ ब्रीडिंग सीजन में आपको नजर आएगी मेल के साथ उड़ते हुए, मेटिंग सीजन में। इन शानदार ड्रैगन फ्लाइज का जो अस्तित्व है ये इन ऐसे फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स पे डिपेंड करता है, तो इनका हैबिटेट अगर प्रोटेक्टेड रहेगा तो ये भी थ्राइव कर पाएंगे।